Hello to all, please subscribe to the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 23 July of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और क्या कहते हैं, इस वीडियो को एक टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें जिससे हमारी ऑडियंस और बढ़े। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट करें, जो भी लोग देखें तो उन क्वेश्चंस का जवाब जो क्वेश्चंस शुरू में पूछते हैं उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि साक्टेंग जो फॉरेस्ट रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किस स्टेट में साक्टेंग के जो है वो कहाँ पे है, किस कंट्री में सिचुएटेड है ये फॉरेस्ट रिजर्व, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साक्टेंग जो है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो GEF है, GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पर, और क्या कहते हैं उसमें कितने मेंबर्स हैं, कब स्टैब्लिश किया गया था और उसमें मेंबर्स कितने हैं ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन आता है द गॉड फादर जो बुक है उसके ऑथर कौन है, द गॉड फादर जो बुक है उसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन आता है कि राइट टू इंटरनेट की एक राइट है कि नहीं, राइट टू इंटरनेट कोई राइट होता है हमारा कि नहीं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यस अगर यस है तो यस राइट टू इंटरनेट, अगर नो है तो नो राइट टू इंटरनेट, ठीक ऐसा आपको कमेंट में बताना है। इन चारों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, आज की पहली न्यूज़ देखेंगे। आज की पहली न्यूज़ है 11 राजस्थान पुलिसमैन गेट्स लाइफ टाइम फॉर एक्स रॉयल्स किलिंग, कि हमने देखा कि कुछ साल पहले, वो कुछ साल क्या बहुत साल पहले, लगभग 40 साल पहले एक्स रॉयल जो थे, रॉयल फैमिली के एक मेंबर थे राजा मानसिंह, इलेक्शन के समय उनकी एक क्या कहते हैं हत्या हो गई थी पुलिसमैन के द्वारा, तो इसमें उनको अब सज़ा मिली, अब जाके सज़ा मिली 11 पुलिस वालों को, इसमें एक DGP भी है। इस पर ही पूरा एडिटोरियल में, एडिटोरियल में देखेंगे क्या हुआ है, था एडिटोरियल इसी के ऊपर है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। चलिए हम लोग देखेंगे उस पर, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तब तक हम लोग अगली न्यूज़ आती है, वर्क बोर्ड आस्क्स ASI टू इंस्पेक्ट डैमेज मस्जिद, जैसे हमने देखा जो मस्जिद मुबारक बेगम है वो पानी के कारण, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण वो क्या कहते हैं डैमेज में आ गया काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें वही कहा गया कि जो दिल्ली का वर्क बोर्ड है उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा है कि वो देखे कि इंस्पेक्ट करे कि डैमेज इतना क्या क्या आया है मॉस्क में, कित क्या क्या मस्जिद में डैमेज आया है, इसके बारे में वर्क बोर्ड ने कहा है ASI से बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट आता है वर्क बोर्ड और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए हम इसको अलग से देख लेते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वक्फ होता क्या, व्हाट इज़ वक्फ, प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि कोई भी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं भगवान के नाम पे दी जाती है, क्या कहते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसे वक्फ कहा जाता है। ये वक्फ बनता क्या, हाउस वर्क क्रिएटेड कि बनता कैसे, अ वर्क कैन बी फॉर्म थ्रू अ डील और इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर्टी कैन बी ड्यू अ वर्क इफ इट इज यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम, कि कोई भी डील या इंस्ट्रूमेंट या प्रॉपर्टी वर्क तभी बन सकती है या वो किसी रिलीजियस पर्पज या चैरिटेबल पर्पज के लिए पहले भी कई बार यूज़ की जा चुकी हो। इसकी पूरी फाइनेंस, ये फाइनेंस करता है, यूज टू फाइनेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रेवयार्ड, मॉस्क एंड शेल्टर होम्स को वर्क फाइनेंस करता है। पर्सन क्रिएटिंग वर्क कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी, वर्क शुड बी कंटिन्यू इंटायटी, अगर किसी इंसान ने वर्क के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो फिर वो वापस नहीं ले सकता, वो चलता ही रहेगा और वो प्रॉपर्टी वर्क की हो जाएगी, उसी के लिए यूज़ होगी। कोई नॉन मुस्लिम भी क्या कहते हैं वर्क बना सकता है, कैन क्रिएट वर्क, अगर वो इंडिविजुअल प्रोफेस इस्लाम, अगर वो इस्लाम को मानता और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वर्क हैज़ टू बी इस्लामिक, और उसका वर्क बनाने का ऑब्जेक्टिव इस्लामिक को बढ़ावा ही देना हो, कभी वो ऐसा कर सकता है। ये गवर्न कैसे किया जाता है, ये वर्क गवर्न होता है वर्क एक्ट 1995 के हिसाब से इसे वर्क किया जाता है। सर्वे कमिश्नर ने अंडर द एक्ट दैट लिस्ट ऑल प्रॉपर्टी क्लेयर्स है वर्क वाइल मेकिंग लोकल इन्वेस्टिगेशन, समनिंग विटनेस एंड रिक्वेस्टिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एक सर्वे कमिश्नर ने एक एक्ट के तहत वर्क का पूरा देखा था, लोकल इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बाद पता चला था कि वर्क कैसे गवर्न किया जाता है, ऐसा हुआ था। वर्क बोर्ड क्या होता है, एक जुरिस्टिक पर्सन विद पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी, कि एक जुरिस्टिक पर्सन होता है वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है वर्क के लिए और ट्रांसफ़र भी कर सकता है प्रॉपर्टी।
द बोर्ड कैन सू और सूट इन अ कोर्ट इज रिकॉग्नाइज एज अ लीगल एंटिटी और ज्यूरिसडिक्शन। ये सू भी कर सकता है किसी को या सूट भी हो सकता है अगर किसी लीगल एंटिटी या ज्यूरिसडिक्शन पर्सन के खिलाफ करा। इसका कंपोजिशन क्या होता है, ईच वर्क बोर्ड जो होता है वो एक उसमें एक चेयरपर्सन होता है, इसमें वन और टू नॉमनीज फ्रॉम द स्टेट होते हैं, मुस्लिम लेजिस्लेटर होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल होते हैं, और रिकॉग्नाइज स्कॉलर होते हैं इस्लामिक थ्योरी वाले, और मुटवालीज ऑफ द वर्क फोर्स होते हैं जिनका इनकम 1 लाख के ऊपर होता है। इनके पावर क्या होते हैं, पावर देख लेते हैं। इसके पास अंडर लॉ टू एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना जो वर्क के लिए यूज़ की गई हो, रिकवरी ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्क, कोई भी वर्क के कारण लॉस्ट प्रॉपर्टीज होती है वर्क की खो गई हो या डैमेज हो गई हो, तो उसके लिए भी ये सब वर्क करते हैं वर्क बोर्ड वाले। किसी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वर्क बाय वे ऑफ सेल गिफ्ट की कहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेंक्शन ट्रांसफर करना गिफ्ट की तरह या सेल की तरह, तो वो भी यही कहता है वर्क बोर्ड ही। द सेंक्शन शेल नॉट बी गिवन अंडर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द वर्क बोर्ड वोट इन फेवर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। ये तभी हो सकता है अगर 2/3 मेंबर जो वर्क बोर्ड के हों वो अगर हामी भर दें, तभी ये ट्रांसफर हो पाएगा। चलिए ASI को देख लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहते हैं एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस, एक्सर्वेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट, कंजर्वेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को देखता है। ये वर्क करता है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये वर्क करता है। इसे फाउंड किया, इसे बनाया बना था ये 1861 में एलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा जो उस वक्त डायरेक्टर जनरल थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है NGT क्वेश्चंस मिनिस्ट्री ऑयल ऑन ड्रिलिंग इन नेशनल पार्क। जो ऑयल ड्रिलिंग हो रही है नेशनल पार्क में उसके ऊपर NGT ने क्वेश्चन किया है मिनिस्ट्री को। इसमें इंपॉर्टेंट आता है NGT, इंपॉर्टेंट है NGT। चलिए NGT को देख लेते हैं हम लोग। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे स्टेब्लिश किया गया था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के द्वारा। ये एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो इन्वायरमेंटल केसेस और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट केसेस पे अपना डिसीजन देती है। ये सारे सिविल इन्वायरमेंटल केसेस जो होते हैं, मैटर्स होते हैं सिविल इन्वायरमेंटल, उन पर अपना डिसीजन लेती है। ये कहते हैं नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये वर्क करती है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक जुडिशियल मेंबर, इसमें कुछ जुडिशियल मेंबर, कुछ एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। ये ऑफिस होल्ड करते हैं 5 साल के लिए और इसमें लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। जो चेयरपर्सन वो अपॉइंट किया जाता है चीफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो जुडिशियल मेंबर और क्या कहते हैं एक्सपर्ट मेंबर को सिलेक्ट करती है। इसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं। इसके पावर्स और ज्यूरिडिक्शन क्या है, ये पूरी NGT डील करती है सिविल केसेस जो इन्वायरमेंटल सिविल केसेस हैं वो 7 लॉज पे डील करती है। जो 7 लॉ हैं उसके ऊपर ये डील करती है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर कंजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन 7 लॉज के अंदर ये NGT डील करती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है जस्टिस स्लो बट श्योर कि जैसे हमने देखा कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर्स एंड एनकाउंटर इज वेलकम टू डिलेट। कि जो कन्विक्शन होता है पुलिस मैंस का, जो इनकाउंटर फेक इनकाउंटर लोग फेक इनकाउंटर करके लोगों की हत्या करते हैं, उसमें भी क्या कहते हैं जस्टिस मिलता है लोगों को, लेकिन स्लो मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, ऐसा इसमें कहा गया है। जिस जैसे हमने देखा कि अभी भी कि वो अभी जो 11 पुलिस वालों को कल मिली है सज़ा, जो उन्होंने राजा मान सिंह जो थे इलेक्शन समय उनकी हत्या कर दी थी प्रिंसली स्टेट जो भरतपुर का है वहाँ के जो थे, उसके बारे में भी इसमें लिखा है कि द वर्डिक्ट ऑफ द सेशन कोर्ट इन मथुरा, जो सेशन कोर्ट इन मथुरा को उन्होंने सेंटेंस किया 11 पुलिसमैन को जिसमें एक DSP भी है, राजा मान सिंह की हत्या के ऊपर कि उनको फेक इनकाउंटर में मारा गया था जो भरतपुर के थे, भारत राजस्थान के थे, और उनके साथ 2 एसोसिएट्स को भी मारा गया था 1985 में, ऐसा इंसिडेंट हुआ था। ऐसा ही क्या कहते हैं पहले भी हुआ है कि जो ट्रायल ऑफ द मैन वो एसिनेटेड रेलवे मिनिस्टर, जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर को एसिनेट किया था एलन मिशन 1974 को, उनको कन्विक्शन मिला 2014 में
39 ईयर्स बाद, लगभग 40 साल बाद उन्हें कन्विक्शन मिला, जो जिन्होंने रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा को 1975 में मारा था, उस आदमी को तिलैद में मिला। ऐसा हुआ कि जब हाशिमपुरा जो केस है जिसमें 40 मुस्लिम मरे थे 1987 में, उनको कहते हैं जस्टिस मिला 2015 में, दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहते हैं उन्हें इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया 16 मैन को। 3 साल बाद ऐसा हो गया, उनका काफ़ी ज़्यादा था। और कहते हैं ऐसे ही कई बार हुआ है ऐसा, इन फेंग इनकाउंटर कर लोग मरे हैं, और काफ़ी ये पूरी तरह रूल ऑफ लॉ को डैमेज करता है। हम कई बार रूल ऑफ लॉ को देख चुके हैं, चलिए कल देखेंगे फिर से, आज नहीं कल देखते हैं हम लोग। चलिए अगली एडिटोरियल, पूरे में यही दिया हुआ है। अगला एडिटोरियल आता है अनदर फ्रंट, अनदर फ्रंट, इंडिया एंड भूटान मस्ट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन डीलिंग विद चाइनाज क्लेम। कि इसमें कहा गया कि इंडिया एंड भूटान को पूरी तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए डीलिंग, जिस तरह चाइना क्लेम कर रहा है उसके जगहों को, तो इंडिया और भूटान को एक साथ हो जाना चाहिए, ऐसे इसमें बताया गया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है साक्टेंग फॉरेस्ट रिजर्व, जो इम्पॉर्टेंट है साक्टेंग फॉरेस्ट रिजर्व, और GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, कि इसमें यही लिखा है शुरू में कि कहते हैं जैसे हमने देखा कि चाइना ने कहा है कि तीसरी बार कहा है कि उन्होंने फंडिंग रोक दी है, कहते हैं जो भूटान का ईस्टर्न बाउंड्री एरिया है जहाँ पे ये साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व है, उसकी वहाँ पे फंडिंग रोक दी गई है, ऐसा उनका कहना है। चलिए इस मूव के देख लेते हैं साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व को। साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व एक बर्ड के लिए फेमस है, आप कहते हैं वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कौन सी बर्ड है जिसके लिए साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व फेमस है। साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व फेमस है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट रिजर्व को, साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व को। साक्टेन फॉरेस्ट रिजर्व ये त्रसिंगंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भूटान के, ये सामद्रुप जोंकर डिस्ट्रिक्ट जो भूटान है वहाँ पे पड़ता है। इसे ये वन ऑफ द कंट्रीज प्रोटेक्टेड है, और ये एक टेंटेटिव साइट है भूटान, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ फॉर यूनेस्को इंक्लूजन। ये टेंटेटिव साइट कहाँ होती है, जो जो नॉमिनेट की जाती है किसी किसी हेरिटेज साइट के लिए जैसे, तो वो टेंटेटिव साइट कहलाती है। ये फेमस है साक्टेंग फॉरेस्ट रिजर्व ब्लैक रम मैगपाई के लिए, ये बर्ड है ब्लैक रम मैगपाई, इसी के लिए ये साक्टेंग फॉरेस्ट रिजर्व फेमस है। ये साक्टिंग वॉज इन पार्ट टू प्रोटेक्ट द मिगोई, आ येट लाइक रिपीट हुज एग्जिस्टेंस हैज नॉट बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड। ये बर्ड है मिगोई, उसके लिए फेमस, इसके उसके लिए भी फेमस है ये कि वो, लेकिन साइंटिफिकली कंफर्म नहीं है ऐसे कि कोई बर्ड होती है भी कि नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसे बर्ड होती है, इसीलिए वो फेमस है वहाँ का। द GEF द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वॉज स्टैब्लिश ऑन द ईव ऑफ 1992 अर्थ रियो अर्थ समिट। 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसमें ये GEF बनाया गया था, कि जो प्लैनेट की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनको, उन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप है 183 कंट्रीज के बीच में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर, दे एड्रेस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ को एड्रेस करते हैं, उनके ऊपर ये, उन पर ये बनी है। द वर्ल्ड बैंक जो है वो सर्व्स एज द GEF ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटिंग द GEF ट्रस्ट फंड। वर्ल्ड बैंक पूरा फंडिंग जो GEF ट्रस्टी को देता है वो GEF ट्रस्ट फंड के नाम पे देता है। एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर है, कन्वेंशंस के ऊपर है। मिनामाटा कन्वेंशन जो है मरकरी का, ऑन मरकरी, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सनल ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, इन 5 क्या कहते हैं जो मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उनके ऊपर ये है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगला एडिटोरियल, स्टैचूज है डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज। ये स्टैचूज जो है इसमें यही बताया गया कि जैसे हमने देखा है कि अभी भी जो ब्रिस्टल एक यूके जगह है वहाँ पे जो स्टैचूज हैं, ये पूरा एडिटोरियल स्टैचूज ओनरशिप है कि स्टैचूज को क्या कहते हैं हेरिटेज कैसे, इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल, ये पूरा एडिटोरियल उसी पे है। इसमें ये भी कहा गया वाई केयर फॉर हेरिटेज बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू एन एनहेंस आवर कलेक्टिव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि ये हमारी कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने में। ये पूरा एडिटोरियल इसी पे है कि हेरिटेज सारे जो स्टैचूज हैं उनको अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उनको फॉल किया जाए, ऐसा पूरा है। कि हमने देखा है पहले भी इंडिया में जो पहले जो ब्रिटिशर्स थे कुछ बीस में बीच बीच कुछ सालों में कहते हैं ऐसा हुआ था कि लोगों ने उनके स्टैचू तोड़ने चालू कर दिए थे, कि वो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हमें एक्सप्लॉयट किया तो उनके स्टैचूज ब्रेक किए थे, ऐसा हुआ था कुछ 20 के सालों में, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग समझदार हो गए और धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया।
अगला एडिटोरियल आता है सेटअप अ हाई कोर्ट ऑफ पुडुचेरी। ये पुडुचेरी में जो हाई कोर्ट अभी नहीं है लेकिन ये मद्रास हाई कोर्ट के साथ कंबाइन करके वर्क करता है। जब 1962 में पुडुचेरी जुड़ा था इंडिया से तो उसमें क्या कहते हैं इसे मद्रास हाई कोर्ट कहते हैं एक्सटेंड कर दिया गया था पुडुचेरी के लिए। इस पूरे एडिटोरियल में यही दिया हुआ है। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ईडी लॉन्चेस प्रोब इनटू गोल्ड स्मगलिंग केस। जो गोल्ड स्मगलिंग केस हुआ है उस पर ईडी ने एक लॉन्च किया, प्रोब लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में इसमें इंपॉर्टेंट है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी जो इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक क्राइम को देखती है इंडिया के। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये वर्क करती है। इसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भी हैं, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस के भी, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के भी ऑफिसर्स वर्क करते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम पर इसका हुआ था, लेकिन 1957 में इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम दे दिया गया। इसमें और कंपोजिशन होते हैं, इसमें कई और एजेंसीज के भी ऑफिसर्स काम करते हैं। कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के, इनकम टैक्स सर्विस के, ये डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स आते हैं ईडी में वर्क करने के लिए। इसके और भी फंक्शन है कि एक इसमें एक पीएमएलए कोर्ट होती है, वो पूरा डिसीजन देती है कि अगर कोई डिसीजन फाइनल हो गया पीएमएलए कोर्ट में वो डायरेक्ट फाइल किया जाता है हाई कोर्ट में। किसी भी ज्यूरिडिक्शन के लिए वो पीएमएलए कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है, ऐसा इसकी फीचर है पीएमएलए कोर्ट की। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 45 राज्यसभा मेंबर टेक्स ओथ, कि 45 राज्यसभा मेंबर्स को ओथ लेनी है, जिसमें से जो 36 हैं वो फर्स्ट टाइम आते हैं। ऐसे 36 लोग हैं जो फर्स्ट टाइम राज्यसभा इलेक्शन की जीते हैं और कहते हैं उन्हें ओथ लेनी है, ऐसे इसमें कहा गया है। इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया कि वही जो 45 जो 61 में न्यू इलेक्टेड हुए मेंबर्स उनकी इस वेडनेसडे को ओथ होनी है राज्यसभा मेंबर्स की, इसके बारे में वही सब दिया गया है। राज्यसभा ये याद कर लीजिएगा राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, सर वेंकैया नायडू इसके चेयरमैन है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि राज्यसभा चेयरमैन कौन होते हैं, कौन से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की कौन होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा इलेक्शन को। राज्यसभा इलेक्शन कहते हैं राज्यसभा में कहते 245 मेंबर होते हैं, जिसमें 233 कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के, और जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक राज्यसभा मेंबर का, वो एक सिटीजन होना चाहिए इंडिया का और उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसके उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक लॉ है उसके अंदर आनी चाहिए, उसके अंदर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के, वोट इन इलेक्शन टू द अपर हाउस, की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर वो वोट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे जो पहले कोई मेंबर है पहले उसकी वोटिंग हो गई लेकिन वो अगर मेजोरिटी में नहीं है तो जो सेकेंड नंबर पे पोजिशन है उस इसके वोट उसको चले जाते हैं, उसके जो पहले वाले के वोट्स हैं वो सेकेंड नंबर वाले को चले जाते हैं। अगर वो भी मेजोरिटी में नहीं तो तीसरे वाले पे उस इन दोनों के वोट पूरे चले जाते हैं तीसरे वाले में। तो कहते हैं इस तरह वोटिंग इसमें चलती है, इस तरह इसमें कौन जीता है ऐसा देखा जाता है। टेन्योर और राज्यसभा मेंबर्स क्या होता है, इसका 6 साल का टर्म होता है, जिसे 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। जो 1/3 मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है 24% RS मेंबर राज्यसभा मेंबर्स फेस क्रिमिनल केसेस, ऐसा इसमें कहा गया। ADR एनालिसिस जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ऐसा पाया गया कि 89% हैव डिक्लेयर एसेट एस्टिमेटेड एट ओवर 1 करोड़, कि जो 89% है जो राज्यसभा मेंबर्स हैं सब उन्होंने अपनी क्या कहते हैं एसेट्स बताया कि उनके जो वो है कितना उनका एसेट्स है, उसमें मनाया माना गया कि 1 करोड़ से किसी का कम नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर ही है 89% मेंबर्स का, ऐसा इसमें बताया गया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। काजीरंगा वर्कर्स सेव 3 बॉयज फ्रॉम ड्रोनिंग, कि एक काजीरंगा वर्कर्स जो है उसने तीन लड़कों को डूबने से बचा लिया। इसमें इंपॉर्टेंट आता है काजीरंगा,
कंचनजंगा नेशनल पार्क, उसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। कंचनजंगा नेशनल पार्क ये 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें पूरा जो स्प्रिंग एलिफेंट ग्रास मीडोज स्वैम्पी लेगून डेंस फॉरेस्ट के लिए फेमस है। इसमें लगभग 2200 इंडियन वन हॉर्न राइनोस है, जो 2/3 जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोस की वो है। सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसोर्स पूरे दुनिया में कंचनजंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसे बनाया गया था 1908 में, बनाया गया था रिकमेंडेशन में, मैरी कर्जन जो थी उनके नाम पे, उनकी रिकमेंडेशन में से बनाया गया था। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है गलागोड नागौन डिस्ट्रिक्ट जो आसाम की, वहाँ पे 1985 में पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोर्स के अलावा यहाँ पे फेमस है एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम डियर भी यहाँ की फेमस है। कहते हैं ऐसा भी माना जाता है कि टाइगर पॉपुलेशन भी बड़ी है काजीरंगा में, कि इसलिए टाइगर रिजर्व को 2006 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क को काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी 2006 में बना दिया गया, क्योंकि वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी। वहाँ पे कई बर्ड्स के लिए भी फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। द पार्क है सक्सेसफुली मैनेज टू ग्रो द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, कि इन्होंने पॉपुलेशन को बढ़ाया, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस जो थी उसकी पॉपुलेशन बढ़ाया, जो एक इनडेंजर स्पीशीज हो गई थी बीच में, अभी भी है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन को बढ़ने के कारण इंडिया में काफ़ी अमाउंट में है, सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में। वन ऑन राइनोसोर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ग्रेटर वन ऑन राइनोसोर्स भी कहा जाता है इंडियन राइनोसोर्स को, और इसे एशियन वन ऑन राइनोसोर्स भी कहा जाता है। ये राइनोसोर फैमिली के बिलोंग करते हैं। इनका वेट 2260 से लेकर 3000 किलो के वेट होता है। फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल होते हैं, और एक सिंगल हॉर्न जो होते हैं ऐसा इसमें बताया गया। ये जो राइनोसोर होते हैं ये पूरे स्ट्रेच होते हैं इंडियो गैंगेटिक प्लेन में स्ट्रेच है, और ऐसे इसमें बताया गया कि जो राइनोस होते हैं उनकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये एक एक्सीलेंट स्विमर भी होते हैं। लेकिन ऐसे इसमें कहा गया कि उनकी हियरिंग और स्मेल करने की ताकत बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनका पुअर आई साइट होती है, देखने में दूर की चीज़ देखने में काफ़ी इनको दिक्कतें होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करें। और क्या कहते हैं, एक हम लोग नया शुरू करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, क्या कहते हैं आंसर राइटिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है आंसर राइटिंग में तो क्या कहते हैं आप कमेंट ज़रूर करें कि आंसर राइटिंग इज़ गुड, आप ऐसे कमेंट करते हैं, क्या कहते हैं इस वीडियो के कमेंट में, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम फिर स्टार्ट नहीं करते उसे आंसर राइटिंग को। अगर आपको आंसर राइटिंग में भाग लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आंसर राइटिंग इज़ गुड, ऐसे लिख के आप कमेंट कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें जिससे ज़्यादा लोग देख सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।